हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर आरपीसीयू समस्तीपुर पूसा में। कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है और इनसाइड टूर आपको दें। यहाँ पे हमारे साथ हैं प्रांजित। मैं यहाँ पे एमएससी सेकेंड ईयर में हूँ एग्रोन डिपार्टमेंट से। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम आते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैसे यहाँ पे पहुँचे, पटना उतरे, समस्तीपुर उतरे, मुजफ्फरपुर उतरे या फिर डायरेक्टली पूसा कैसे आए हो। अच्छा, सबसे बेस्ट रूट हो गया आपका समस्तीपुर तक आइए। समस्तीपुर तक पूरा दिन भर आपको ऑटो मिल जाएगा, इधर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलेंगे पूसा कैंपस आना है आपको, आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा। पटना से भी आ सकते हैं, तो पटना से जब आएंगे आप डायरेक्ट अंदर ही घुसे कैंपस। पटना से भी डायरेक्टली बस मिल जाएगा, से डायरेक्ट मिलेगा आपको। तो पटना में अगर बस लेना है तो पटना से कहाँ से मिलेगा? पटना बस स्टैंड से पूसा फार्म तक डायरेक्ट बस चलेगा, पूसा फार्म के लिए। तो पटना से भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं बस से। आप अगर पूसा कैंपस से पटना तक जाना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे से आपको बस मिल जाएगा 3 बजे तक। यहाँ से अगर पटना से आ रहे हैं आप तो सेम आपको सुबह से मिल जाएगा बस 3 बजे तक। 3 बजे तक आप लोग का एडमिशन होगा ना यूजी में, तो पहले आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा मेन कैंपस। एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको यूजी कॉलेज में रहना है। उधर हॉस्टल वगैरह सब है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है उधर। उधर जाके आपको रहना है और ये हो गया एग्रीकल्चर फिशरीज के लिए, ठीक है। और पिपरा कोठी वाला कैंपस थोड़ा दूर है उधर से, लेकिन उस वहाँ पे भी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सब अच्छा है, तो डायरेक्ट मिल जाएगा इधर से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये मूर्ति है, बहुत सुंदर। सीधे सीधे आए हैं आप गेट से, जो हमारा मेन गेट था वहाँ से सीधे आके, इसके बाद यहाँ से सीधे राइट अगर आप जाएंगे तो यहाँ यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक ब्लॉक है, फिर इसके अंदर लाइब्रेरी हो गया, फिर इससे और आगे जाएंगे तो हॉस्टल आगे ही बढ़ेगा जो बॉयज़ हॉस्टल है, आर्यभट्ट हॉस्टल। अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, नाम हो गया इसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर वाला जो ब्लॉक है पोस्ट ग्रेजुएट के इसके जस्ट कनेक्टेड है सारे ब्लॉक। सारे ब्लॉक देखो कनेक्टेड है सारे, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है पीजीसीए का, इसलिए दोनों कनेक्टेड है। अच्छा, कनेक्शन पीछे भी कनेक्शन पुल है ये वाला। हां, एक दूसरे का काम पड़ता रहता है। आप देख सकते हो कॉलेज एक बाकी इधर सब कुछ सेपरेट कर दिया है। जैसे कि बायोटेक में भी वो वाले बीटेक और पीएचडी प्लांट फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पीजी और यूजी, ये दोनों कॉलेज है और इनको भी देखो कनेक्ट कर रखा है, वेल कनेक्टेड है सारे, एक दूसरे से वेलकम रखा है। यहाँ पे लेक्चर थिएटर, लेक्चर थिएटर, तो यहाँ पे इनकी क्लासेस जो बीटेक के छात्र हैं, मतलब एक यही लेक्चर हॉल है, बाकी और क्लासरूम जो है अंदर भी है, अंदर है लैब्स है, अंदर है लैब सारी, जैसे इंजीनियरिंग का काम हो गया, ट्रैक्टर वगैरह उधर देखो, उधर देखो 2-3-4 टोटल 7 है, 7 या 8 है बिल्डिंग जो अलग वर्कशॉप इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप है। ये इधर CAET हो गया और इधर ये ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 और फिर आगे चलते हैं हमारा लाइब्रेरी आता है, तो वहाँ पे अपने रूम में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे रह के पढ़ने के लिए। ये वाले रात में भी ओपन रहता है ये, और ये स्टेडियम सामने स्टेडियम बन रहा है अभी, जो स्टूडेंट्स है उधर पूरी तरफ बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, इंडोर पीछे भी स्टेडियम बन रहा था। तो यहाँ RPCU जो एकेडमिक बिल्डिंग है इसके सामने आपको मिलेगा यहाँ नेहरू गार्डन। नेहरू गार्डन काफ़ी मेंटेन है, यहाँ आप देखेंगे साइड में आपको ये अशोक के पेड़ हैं, फिर इसके बाद खजूर के पाम ट्रीज, फिर इसके बाद फ्लावर है, फिर आगे आपको आ रहा है कम्युनिटी साइंस कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। फूड एंड न्यूट्रिशन में आप जा सकते हो और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी आप काम कर सकते हो, मतलब पेपर है जिस न्यूज़पेपर और वेस्ट जो भी मटेरियल है उससे आप जो है बैग्स बनाते हैं, टेक्सटाइल में अलग अलग डिजाइन जो कपड़ा आपके पहन रखे हो का डिजाइन काफी वेल डिपार्टमेंट है। कॉलेज के बाद जो है वो हमारे गंगा होटल और जिन्ना होता है। अच्छा, सामने बगल में हमारे AICRP मशरूम चलता है जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है।
और गर्ल्स हॉस्टल का कैसा सिक्योरिटी है, क्या रिस्ट्रिक्शन है? जेट का सिक्योरिटी है भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। इनकी सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल है, कोई भी तोड़ सकता है। बाकी एनी टाइम जब गर्ल्स वहाँ जाते हैं तो यहाँ पे है तो गर्ल्स है, उसके पे पाबंदियाँ हैं, नो डाउट। वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो नया स्टूडेंट होगा तो उसको भी फॉलो करने की जरूरत है, फॉलो करना पड़ेगा। रणजीत के कैंटीन में क्या क्या मिलता है? चाय मिल जाएगा, समोसा मिलेगा, और लिट्टी मिलेगा, और ब्रेड ऑमलेट, और क्या ही चाहिए आप? मैगी मिलेगा आपको, ठंडा भी बहुत बाहर भी चाहिए जो गेट के बाहर इसके अलावा यहाँ पे ये सामने दो बैंक एटीएम मिल जाएंगे आप। से हाय, ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये यहाँ पे ईक अनुसंधान संस्थान है, तो यहाँ पे फाउंडेशन रिमेन्स जो भी ये फिलिप्स लेबोरेटरी इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या क्या बचा था वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये क्या है ये अंदर? यहीं पे था मेन सब कुछ बिल्डिंग। अच्छा ओके, क्षतिग्रस्त के अवशेष, ये सब पूरे पिलर्स हैं। ओके ये पूरा हिस्ट्री यहाँ बताया गया है पूसा का, कैसे शिफ्ट हुआ, भौगोलिक स्थिति यहाँ पे बताई गई है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ पूसा नेम। टिप्स ने यहाँ पे जमीन दिया, जमीन देने का टिप्स का पी, और वो थे यूएसए के, यूएसए पूसा बन गया। 1877 में इन्होंने ठेके पे लिया था ये जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा, तब ये कलकत्ता रेसिडेंसी में आता था, और यहीं पे टोबैको का उत्पादन होता था। उसके बाद इसी पे रिसर्च भी करने लगा टोबैको पे ही। फिर 1897 में बंगाल सरकार ने इनके ठेकों को निरस्त कर दिया, यहाँ पे रिसर्च चालू हो गया इंपीरियल करके। ओके, फेमाइन 1899-1900 के दौरान जो फेमाइन हुआ था, बाद में इसका निर्माण हुआ था। तो इसकी ईंट वगैरह सब यहीं निर्माण हुआ था इसका। अच्छा, ईंट इसका रखा हुआ है? ये सब ईंट, ये ईट उसी का है, ये वहाँ रखा। ये उसका ओल्ड स्ट्रक्चर का है, ओल्ड स्ट्रक्चर है उधर से। आप इसकी इकाइयाँ हैं एग्रीकल्चर ARI पूसा की, इससे पहले एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे लेबोरेटरी में कुछ काम करते हुए साइंटिस्ट दिख रहे हैं। उसके बाद जो पुराना बिल्डिंग था IARI का, फिर उसके बाद गन्ना प्रजनन स्थान जो SBI कोयम्बटूर का है, फिर CFTRI जो राजमंदरी का है। इसके अलावा यहाँ पे पोटैटो रिसर्च हो गया, लैक रिसर्च हो गया, सब उसी टाइम के ये बने हुए हैं। कानपुर में 1893 में, लाहौर में 1905 में, नागपुर में 1906, पूना कोयम्बटूर में 1907 1908 में, मतलब इस तरह से 6 एग्रीकल्चर कॉलेज उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुए थे। 1934 में भूकंप आया, इसके वजह से IARI कैंपस में डिलीट शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था लाइब्रेरी। फिर उसके बाद यहाँ पे गांधी जी की यात्रा हुई, ये दरारें दिख रही हैं यहाँ पे भूकंप की, इतना गहरा भूकंप था यहाँ पे। फिर ये बैलगाड़ियों से ले गया पूरा इंस्टीट्यूट, मतलब वहाँ तक, तब तो बैलगाड़ी ये साधन था। फिर इसके बाद यहाँ पे वैज्ञानिक रिपोर्ट, और ये राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में इसका मेन एकेडमिक ब्लॉक ऐसा ही दिखता है। ये लॉर्ड कर्जन, अच्छा इन्होंने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी, द स्टोन, इनके द्वारा ही तो ये किया है। रिकमेंडेशन, और ये शोध की एग्रीकल्चर रिसर्च की जो फाउंडेशन रखी, कहाँ कहाँ से घूमने की शुरुआत करी, तो यहाँ कलकत्ता से देखेंगे ये पटना, फिर पटना के बाद ये इलाहाबाद, फिर इसके बाद ये जबलपुर, और यहाँ से आते 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 ये बॉम्बे तक, और इसके बाद जहाँ जहाँ आपको मेनली अभी कोयम्बटूर हो गया, या फिर अगर आप देखें
इस पे कर्नाटका में, तो जहाँ जहाँ ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ वहाँ इन्होंने यात्रा करी है लगभग लगभग। यहाँ तीन एक्सपर्ट थे उस टाइम के, जॉन वॉल्टर, एडविन जॉन बटलर और मैक्सवेल लिफ्टॉड, एल्बर्ट हॉवर्ड ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की नींव रखी। काफ़ी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है बड़े पंप हुए सामने, और फिर ये व्हील, बड़ा सा व्हील ये घूमता था उसके सहारे, और पानी को वहाँ से अपलिफ्ट किया जाता था। पूसा का पुलिस स्टेशन है, अगर आप ज़्यादा लफड़े करेंगे तो यहीं पे आपको ले जाके आपकी कुटाई भी की जा सकती है। ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आपको सीधे कॉम्प्लेक्स ले जाएगा। ये आपका हॉस्टल हो गया, ये T3 हो गया, गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। और ये वाला जो है इसके पीछे, ये घर के पीछे आपको T2 जो बॉयज़ हॉस्टल है PG का, वो मिल जाएगा। इसका रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आता है, उनका रिसर्च पानी पूरा भर जाता है। डबल लेयर सिक्योरिटी है, नदी वो है आगे वाली और वहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है, इसलिए ये मेड़ बनाया है। 1.5-2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर होगा लगभग, 2 किलोमीटर तो होगा, लेकिन फिर भी यहाँ आना वर्थ इट है। तो बैठ के ना जो सुकून मिल रहा है धूप में भी, शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी ठंडा रहता होगा गर्मी। तो UG के बच्चों को इधर लाया जाता है एनिमल हस्बेंड्री के पंप पे, एनिमल हस्बेंड्री प्लस डेयरी, ओके, तो दोनों फार्म इधर ही है। आ गए अपन, ये सामने कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वॉलीबॉल का है ना, दोनों तरफ लाइटिंग रहती है रात में, और 3-4 जगह कॉमन रूम है जहाँ पे टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो ये पूरा हॉस्टल हुआ PG का, PhD का और कम्युनिटी साइंस, नहीं UG का 3 कोर्सेज चलता है, सभी यहीं पे बच्चे रहते हैं। PG ब्लॉक अलग, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक, ठीक है। इन ब्लॉक में बायोटेक्नोलॉजी है, फोर्थ ब्लॉक में PGCA के हैं, इनके CCA, फिफ्थ ब्लॉक में ABM के हैं, ऐसे करके उनको बाहर रखा गया है। Type 2 किसान घर, किसान छात्रावास। अच्छा अच्छा, ये संडे का स्पेशल खाना है बिरयानी। मैस मैनेजर हैं अभी एग्रोनॉमी से, यहाँ मैस मैनेजर जी के पास से आपको ये थाली मिलती है अगर आपका पेमेंट कंप्लीट है तब, फिर उसके बाद वेज और नॉन वेज का ऑप्शन है। आप चाहे तो पनीर खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं, या फिर आप बिरयानी खा सकते हैं। वेज ऐसा है उसमें अभी कुछ जाना है, एग्रोनॉमी बेस चला रहा है, अपूर्व लीडर है, जब से खाना बहुत अच्छा बोल रहे हैं, खाना बहुत अच्छा है। भाई कितना पैसा आया बिरयानी का? बहुत बढ़िया, वेलकम सीजनल सब्जी, और रात में मिक्स किया, मिक्स मीन पनीर रिकॉर्डिंग मिक्स किया, वो सबके लिए रहता है। फिर ट्यूजडे को हमारा पराठा ही रहता है, बट उसका पराठा कर रहता है, पराठा हुआ, फिर दोपहर में आलू सोयाबीन का सब्जी हम करी, और रात में मिठाई होता है खीर, खीर खीर वो मिठाई होता है, गुरुवार से सेवई का खीर रहता है, फिर गुरुवार को लिट्टी, टैमरिन राइस या लेमन राइस, सुबह वेडनेसडे को चिकन, रात में चिकन और पनीर, फिर थर्सडे को रात में गुलाब जामुन मिठाई रहेगा, और आलू गोभी का सब्जी, पत्ता गोभी का हो, फ्राइडे को छोला भटूरा, सुबह सुबह भी नाश्ते में,
दोपहर में नॉर्मल ग्रेजुएशन वेजिटेबल और अंडा तुम खाए थे कल का अंडा और नॉर्मल हम लोगों के लिए पनीर पनीर वेज वालों के लिए 3 दिन पनीर नॉन वेज वालों के लिए 1 दिन अंडा 2 दिन चिकन संडे को चिकन वेडनेसडे को और फ्राइडे को अंडा सैटरडे है उस दिन सुबह में दोपहर में सीजन सब्जी और रात में बुनिया होता है और एक हम लोग ट्रेन चलाए हुए हैं आलू दाल चोखा का मीन्स ये बिहारी खाना है सुबह का नाश्ता मुझे अच्छा लगा स्टॉक चला स्टॉक खाए हम लोग फिर अभी चिकन खा रहे हो तुम लोग रात में एक सिंपल खाना रहेगा उसका चार्ज कितना है 3,000 तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इसमें बहुत सारा चीज है फ्लावर्स बहुत सारे फ्लावर्स मेंटेन है टोपायरी है गांधी पार्क ये वाला ये लगता है कि कॉलेज है देख मिला कहाँ है अरे हनी भी बस मिला छत्ते से तोड़ के लाए हो यार तुम यहाँ पे मैस है अंदर में कुक वगैरह रहते हैं तो वही खाना वाना बनता है स्लैब पर यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट डिनर खाली खाली वो ठीक होगा गर्मी का टाइम बढ़िया इसमें सारे में कलेक्शन है इसमें भी है नाम बता दो जल्दी जल्दी करिए सब सबका नाम नहीं पता इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें बीटल है लॉकस्ट वगैरह है छोटे बीटल सब है जितने भी है ना इसमें एक लाइन जितने भी डबल सीटर है सामने जितने हैं ना वो सिंगल सीटर सिंगल सीटर सिंगल सीटर इतना ही बड़ा है थोड़ा छोटा है जिसका आप कह अरे शानदार ये CAU जैसा ही है यार सेम टू सेम ये मेन्यू हो गया भाई तुम्हारा भी ले लेते हैं अब यहाँ तुम बस बताते जाओ कहाँ क्या है अच्छा तुम्हारा ही रूम ले सो रूम तो सेम ही है अच्छा तीन है सामने खिड़की हो गया दो कवर्ड हो गया मेरा टेबल आपका टेबल हो गया फिश बायोलॉजी नहीं यहाँ तीन बेड हैं तो सब में तीन ही है दोस्तों अभी हम आए हैं RPCU पूसा बिहार हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश Yeah.